गेट में व्यक्ति को लोन तो आसानी से मिल जाता है अनसिक्योर, जो मेरे देखने में आया है। और अनसिक्योर लोन लेने वालों की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर आरबीआई का एक अपडेट आया है जिसमें कि अब अगर किसी व्यक्ति ने अनसिक्योर लोन लिया है और अब बैंक एनबीएफसी से वो व्यक्ति राहत लेना चाहता है तो किसी प्रकार की बैंक एनबीएफसी राहत नहीं देंगे। सर ये तो आरबीआई ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, बहुत बड़ी दिक्कत कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये अपडेट आपको मिला कहाँ से, कहाँ से ये सारी बातें आपको पता चली। तो उन्होंने मुझे बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से आज से कुछ टाइम पहले 1,10,000 रुपए का लोन लिया था और मैं कंटिन्यू उसको पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लगभग 50% मैं उस लोन को पे कर चुका था। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ दिन से मेरी जो ईएमआई है वो डिफॉल्ट होनी शुरू हो गई, मेरी सारी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई। जब डिफॉल्ट हो गई तो काफी ज्यादा रिकवरी एजेंट्स के कॉल आए, काफी मैसेजेस आए, मैं उनको इग्नोर करता रहा। तो अब मेरा जो सिस्टम है वो ठीक ठाक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बात की एक एजेंट से, मुझे व्हाट्सएप पर काफी दिन से मैसेज करता था, तो उसने बताया कि भैया अब जो अनसिक्योर लोन है उसमें बैंक एनबीएफसी कोई राहत नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आप इस बात को समझिए, आरबीआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है, अनसिक्योर लोन में किसी भी व्यक्ति को बैंक और एनबीएफसी को कोई राहत नहीं देनी है। व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब अब और प्रॉब्लम में आ गया, व्यक्ति ने इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिली नहीं। फिर उन्होंने हमें बताया, तो देखो अगर आपको ऐसा कोई बैंक एनबीएफसी बता रहा है तो देखो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपका सीधा सीधा उल्लू बना रहा है, पागल बना रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आरबीआई का कोई ऐसा अपडेट नहीं है बैंक और एनबीएफसी को, आरबीआई ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि भाई आप अनसिक्योर लोन में किसी व्यक्ति को कोई राहत मत ही दो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। और एक बात आप समझिएगा, जब भी आपने किसी प्रकार का कोई भी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पाए हैं तो बैंक एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग जो भी उस पर इंटरेस्ट बन रहा है वो ले सकता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है अपना जो भी उसका बचा है वो ले सकता है। कोई भी फालतू के चार्जेस आपसे वो नहीं लेगा, डिले चार्जेस, फलाना चार्जेस, वो चार्जेस, और अगर वो पेनल्टी लेता भी है तो वो रीजनेबल पेनल्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे पूरी तरह से डबल ले ले या ट्रिपल ले ले, वो सीधा सीधा आपका बेवकूफ बनाते हैं। अब देखिए अनसिक्योर लोन में जब भी आप लोन नहीं चुका पाते हैं, अगर आप बैंक से या फिर एनबीएफसी से संपर्क करते हैं खुद ब खुद, तो उसमें क्या होता है, वो आपको ये करना चाहते हैं कि भाई जितना हो सके उतना उससे पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन अगर आप इन्हें संपर्क ना करें और ये आपको खुद संपर्क करें 6 महीने में 7 महीने में, तो ये अंततः आपसे पता है क्या कहेंगे कि भैया तू इतने में सेटलमेंट कर ले, बात खत्म। ये आपको 75-75%, 80-80% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, मतलब जो पर्सनल लोन ये सब चीजें होती है जिसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं ली जाती इस लोन पर, तो ये बात आपको समझनी है। अगर आप खुद ब खुद उनसे डिस्काउंट मांगेंगे, खुद ब खुद उनसे राहत मांगेंगे, तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई ऐसी सारी चीजें हैं, नहीं होगा। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, आपने कोई भी एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल फोन परचेज करना है, आप दुकान पे जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, आप उन्हें अपना बजट बताएंगे, फिर दुकानदार से आप कहेंगे कि भाई यार इतने में तो एडजस्ट नहीं हो रहा, वो बताएगा इतने में ले लो इतने में ले लो, आप कहेंगे कि नहीं हो पा रहा। आप अगर उससे बहस करते रहोगे तो वो आपको एक्चुअल में चीजें नहीं बताएगा सही से और आपको सही अमाउंट पर देगा भी नहीं। अगर आप उसको छोड़ करके चल देंगे कि ठीक है भाई अपना मोबाइल वगैरह तो एक साइड रख, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तो वो खुद ब खुद आपसे आवाज मार के ये कहेगा कि भाई सीधी सी बात है यार, ठीक है इतना दे देना। आप कहीं भी चले जाओ यही बात होती है, चाहे आप कोई मोबाइल खरीद लो, चाहे आप कोई कपड़ा खरीद लो, चाहे कुछ खरीद लो, यही होता है, बार्गेनिंग करते हैं लोग, आप इस बात को समझिएगा। और आपको बार्गेनिंग करनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए बैंक एनबीएफसी से। तो कभी भी आपका लोन अगर डिफॉल्ट हो जाता है, मैं नहीं कहता कि आपको सेटलमेंट ही करना चाहिए, आप अगर सेटलमेंट नहीं करना चाहते तो विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट आपको पूरा पैसा इनका वापस करना होगा, कोई राहत उसमें नहीं मिलेगी, ये तो बात आप समझिए। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो भाई सीधी सी बात है काफी राहत इसमें आपको मिल सकती है, बट इसमें आरबीआई का कोई रोल मुझे नहीं लगता है। आरबीआई तो सीधा कहता है कि अगर आपने लोन लिया है आप उसको टाइमली पेमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर बैंक एनबीएफसी आपको राहत देना चाहता है तो वो उसका फॉल्ट है, इसमें क्या दिक्कत है, आरबीआई का क्या मतलब है इसमें। अब उस व्यक्ति को जो मेरे सब्सक्राइबर थे सेटलमेंट तो नहीं करना था लेकिन उन्हें राहत चाहिए थी, नहीं भाई कोई राहत ऐसे नहीं मिलेगी, और ये तो खैर गलत है, ये बता रहे कि आरबीआई का रूल है कि भाई कोई राहत नहीं दे सकते, ऐसा ये सब चीजें गलत है। सेटलमेंट में राहत मिलती है लेकिन अगर आप नॉर्मली अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगी है
डिसलाइक कर दें, कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के माध्यम से जरूर दे दें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो देखिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की हाल ही में। आप इस पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं। पेड सर्विस का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो बतानी होगी, और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। जैसे ही आप हमें ये सब चीजें बताएंगे हम आपको अपनी फी बता देंगे, और जैसे ही आप हमें पेमेंट कर देते हैं आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, और जिस टाइम को आपको सारी चीजें बताई जाएंगी उसी टाइम को आपके पास में कॉल मैसेज आएगा हमारी तरफ से। अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।